अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सुनवाई टाल दी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रतिबद्ध है? अगर प्रतिबद्ध है तो उसके लिए संवैधानिक रूप से क्या कार्रवाई की जा रही? सबसे पहले मैं क्लैरिटी कर दूं कि अयोध्या में जहां रामलल्ला विराजमान है वही स्थान पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और ये हमारा देश की जनता को वादा है। इसमें एक इंच भी वापिस आने का कोई सवाल ही नहीं, परंतु केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब केस की सुनवाई शुरू हुई, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने दरख्वास्त करी कि केस की सुनवाई 2019 के बाद हो जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वकीलों ने दृढ़ता के साथ कहा था कि केस देश का सबसे पुराना केस है, इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लोकसभा में हमने रखा है कि हम इसका न्यायिक समाधान चाहते हैं और वहां पर जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनाना चाहते हैं। जनवरी में इसकी डेट है, मुझे पूरी आशा है कि राम जन्मभूमि केस जल्दी चलेगा और परिणाम के बाद वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी, मैं इतनी स्पष्टता करना जरूर चाहता हूं कि अपने वचन से कभी एक इंच भी पीछे नहीं जा सकती। वहीं पर उसी स्थान पर डिजाइन के हिसाब से ही भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन, कोई कार्यकर्ता नहीं।